आप लोग एक बात समझ जाइए, अगर हमारा आरक्षण नहीं रहेगा, अगर संविधान नहीं रहेगा, तो कोई गरीब को पूछने वाला नहीं रहेगा। आरक्षण है तब आपको समाज में भागीदारी है, नहीं तो पहले क्या होता था, जो वन व्यवस्था जो लागू थी, गरीब को जो दिया था, ताकि जो गैर बराबरी और जो वर्ण व्यवस्था जो सदियों सदियों से थी, ताकि अंतिम मैदान में खड़ा व्यक्ति अपने आप को अलग ना समझे, उसी के बराबर आकर के बैठे, उसको मान सम्मान मिले, इसलिए बाबा साहब ने आरक्षण देने का काम किया। लेकिन कुछ लोग जो है जिनको देश से कुछ गांधी जी के हत्यारे हैं, ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, जो अंग्रेजों का गुलामी किया, जिसका देश की आजादी में कोई भूमिका नहीं गई, आज वो लोग जो है देशभक्त बनते फिर रहे हैं। और क्या, जो गांधी जी की हत्या, जो नागपुर में तिरंगा नहीं फहराते हैं, आज वो देशभक्त बन करके घूम रहे हैं। और क्या कहते हैं, अगर हम लोग देश को एकजुट रखने का काम करें, देश में सामाजिक न्याय की बात करें, धर्म एकता की बात करें, गरीब को न्याय दिलाने की बात करें, भाईचारा कायम करने की बात करें, तो बीजेपी के लोग बोलते कि पाकिस्तान भेज देना चाहिए। गिरिराज सिंह बोलते ना कि पाकिस्तान भेज देंगे, गिरिराज सिंह के बाप का देश है जो हम लोग को पाकिस्तान भेज देगा। ओ भाई जी बैठो लो, हो गया, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बैठिए लो। आप देखिए कि देश में अलग अलग जाति है कि नहीं, अलग अलग धर्म है कि नहीं है, अलग अलग भाषा है कि नहीं, अलग अलग पहनावा है कि नहीं है, अलग अलग खान पान है कि नहीं है, दिखने में भी अलग अलग है। उत्तर भारत का लोग अलग दिखता है, दक्षिण भारत का लोग अलग दिखता है कि नहीं, अब उधर नॉर्थ ईस्ट चले जाइए तो अलग दिखता है, तो हम अलग अलग है कि एक सबको मिला करके ना देश होता है, तब ना एक देश है। और हमारी भारत की तो यही खूबसूरती है, हमारे अनेकता में ही एकता। तो ये जो आपकी देश की जो खूबसूरती है, जो गर्व से माना जाता है कि हमारा देश जो है सबों का देश है, सबको मान सम्मान, और ये लोग हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग आप लोगों के बीच आए। ये लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं है, आप लोगों को सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये भाजपा के लोगों ने आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का अभी SC ST एक्ट खत्म करा दिया, तो आप जानिए कि ये लोग क्या चाहता है। फिर से इनके एक बाबा है गोवर का, उन्हीं का किताब को लागू करना चाहता है, बंच ऑफ थॉट्स। क्या हुआ, एक सोच का गुच्छा, तो आप समझ जाइए उस गुच्छे में क्या है। उस गुच्छे में है जो ये लोग चाहते हैं लागू हो, कि कोई मंदिर का चला जाए दलित, तब मंदिर जाए तो उसको मार के भरा, ये लिखा हुआ है। तो फिर से हमारा देश इतना खून बहा, इतनी आंदोलन हुए, इतनी लड़ाइयां हुई, फिर भी आप समझिए कि हम लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए तो वो भी पूरा नहीं मिला। कहां मिला आप लोगों को अधिकार, हम लोगों को तो लड़ाई था कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो कहां मिला आप लोगों को। और आप देखिएगा जो स्थितियां जो बनी है, हम लोग किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन सबको जो है सबके साथ न्याय होना चाहिए। आज किसानों पर चर्चा नहीं होती, नौजवानों पर चर्चा नहीं होती, शिक्षा पर नहीं चर्चा होती, स्वास्थ्य पर चर्चा नहीं होती, विकास पे चर्चा नहीं होती,
तो चर्चा होती किस पे? हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, कश्मीर, तो उसके आप लोगों के बीच है। हम लोग सब लोग ये कहना चाहते हैं, हमारी पार्टी कहना चाहती है कि ये भाजपा के लोग, और आप लोग तो जानते भी होंगे कि जब भी लोगों का वादा पूरा नहीं करता है तो फिर से अपना पुराना एजेंडा पे आ जाता है, फिर से वही दंगा फसा, फिर से वही जहर की राजनीति। तो इससे कोई फायदा होने वाला? क्या आपका गरीबी दूर हो जाए? क्या आपको रोजगार मिल जाएगा? क्या किसानों का सही मूल्य मिल जाएगा, खाद मिल जाएगा? तो आप लोग समझिए, ये लोग हर काम में फेल हो गए। बोलते थे ना मोदी जी कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, और आप प्रधानमंत्री बनने के बाद मांगिए तो बोलते हैं कि पकौड़ा छाट, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप बताइए, जो पढ़ लिख करके पिता मेहनत की रोजी रोटी कमा करके किस प्रकार से पैसा बचाया होगा तो बच्चे को पढ़ाया होगा, इसी सोच के साथ कि डिग्री मिल जाएगा तो नौकरी मिल जाएगा तो घर परिवार चलेगा। आज के दौर में, देश के दौर में आप देखिएगा तो मोदी जी के दौर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है पड़ी है। हाल तो ये हो गया कि रोजगार बढ़ाने की जगह पे जिसको रोजगार था वो भी छीन लिया। अब फायदा किसको हो रहा है? केवल पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है। आप बताओ, यहाँ तो सारे गरीबी नजर आ रहे हैं, सब गरीब है, किसको फायदा हुआ मोदी जी के आने से? किसी को हुआ? यहाँ इंद्रावास नहीं बन रहा, महिला लोगों को पैसे दे रहे। आप बताइए, यहाँ हमारे उम्मीदवार खड़ा किए हमारे पलटू चाचा, हर बात पे पलटी मार, और वो कौन सी बात होती है? इनको पलटी तभी मारना होता है जब इनको कुर्सी बचाना होता है। बात समझ रहे? नहीं तो 4 साल में 4 सरकार आज तक हिंदुस्तान के इतिहास पे कहीं हुआ है क्या? कहीं नहीं हुआ। मान लो अगर परिस्थितियां वैसी होती कि कम सीट हो रहा है, बन नहीं पा रहा है, जैसे झारखंड में पहले होता था, लेकिन यहाँ तो पूरा मेजोरिटी के साथ आता था गठबंधन में, फिर भी 4 साल में 4 सरकार। आप बताओ, जिस देश में, राज्य में अगर 4 साल में 4 सरकारें बदलेंगी तो विकास कैसे संभव है? मुख्यमंत्री अपना काम करेगा कि अपना पद को बचा ले या इधर उधर कर ले? वही तो आप समझिए कि ऐसे स्थिति में बिहार को ले आया गया, जहां मुख्यमंत्री 5 साल रह करके अगर फुल मेजोरिटी बना है तो पूरे हिसाब से काम किया जाता, दिन रात लगा दिया जाता, आप पे खड़ा मत रहिए, पूरे बिहार के 12 करोड़ लोगों पे ध्यान दिया जाता, काम किया जाता। लेकिन हमारे पलटू चाचा तो अपने पर खाली ध्यान। आप देखो, पहले बोलते थे ना मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, भाजपा में तो चलेंगे लेकिन मिट्टी में कम मिलेंगे, वो आप लोग का जिम्मेदारी है भैया। ज्यादा कुछ हम नहीं कहें, बहुत कुछ हमारे चर्चा का अंतरात्मा जागते रहता है अपने लिए। आज देखिए घर पे हत्या का केस चल रहा है, कोई नहीं, चले जाइएगा तो राजा हरिश्चंद्र के रूप में नवाजे जाओगे, और भाजपा के खिलाफ लड़ोगे, सच के साथ रहोगे, जनता के साथ रहोगे, जनता के सवाल पूछोगे तो आपको भ्रष्टाचारी बना देगा, जेल में भेज देगा। आज हमारे पिता को जेल में भेजा गया, फर्जी मुकदमा करा करके सब कुछ करा दिया गया, पार्लियामेंट से उनका स्थान छीन लिया गया, आज अस्पताल में नहीं बीमार है, हार्ट की सर्जरी हुई, आपका किडनी में 60% इंफेक्शन है, और कई बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, किडनी में पथरी है, उम्र हो गया, लालू जी छात्र राजनीति से लेकर के आज उनका बाल पक गया। आप बताओ, अगर लालू जी को लालच होता तो आज हमको लालच होता
तो हम भाजपा के साथ मिलकर के आज बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होते क्या? तो आप समझिए, नीतीश जी इतना गुनाह करके बिहार के मुख्यमंत्री बने तो राजा हरिश्चंद्र के रूप से नवाजे जा रहे। और लालू जी तो यही दोष था कि भाई सामाजिक न्याय का झंडा ऊपर करना था, गरीब का लड़ाई क्यों लड़ता थे? आप बताओ, लालू जी को अलग कर दो, बिहार से तो गरीब का लड़ाई कौन लड़ रहा है? आप लोग सब लोग जानते हैं, खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, बोली नहीं था। लालू जी ने आप लोगों को बोली देने का काम किया, लालू करने का काम किया, ठीक है, दमदार आवाज में लोग पहचान गए, समय कम है तो आप समझिए। लालू जी आपके लिए हमेशा खड़े रहे, कितना सितम साया गया उन पर, लेकिन अभी भी डर से मग नहीं हो रहे, अभी भी अपने विचार से समझौता नहीं कर रहे। आखिर हिंदुस्तान में एक नेता बना बता दीजिए जिसके ऊपर इस प्रकार का साजिश बार बार किया गया हो। और हम तो बचपन से ही छापा 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 देख, छापा देख देख करके पड़े हुए हैं। और हम लोगों के तो हमेशा स्कूटरी चलता रहता है, अब पता नहीं इतना कड़ा पाबंदी के बाद भी बिना घोटाला के लोग घोटाला कैसे निकाल लेते हैं। मेरा कैसे घोटाला निकाला पता आपको? यहाँ लड़का खड़ा है, कितना उम्र होगा? 12-13 साल का होगा। तो ये लोग, हम 18 महीने डिप्टी सीएम रहे ना आप लोगों के कृपा से, कोई घोटाला नहीं निकला, चक्कर ढूंढते रह गए। देखेंगे भाई इतनी ईमानदारी से काम कर रहा तो उनका क्या होगा, सब बेईमानों का क्या होगा, सारा कमीशन खोरी बंद कर रहा है। तो ये लोग क्या घोटाला निकाला कि हम जब 13 साल के थे, जब हमको मूंछ नहीं आया था, अब बाबू खड़ा है यहाँ, 13 साल का लड़का होगा। अब आप बता दो, 13 साल का लड़का जिसको मूंछ नहीं, वो क्या रेलवे में जाके घोटाला करेगा 2004 में? उस समय पढ़ने लिखेगा, खेलने कूदेगा, हम तो क्रिकेटर रह चुके हैं, हम तो क्रिकेट खेलते थे। अब किसको क्या पता कि क्या प्रक्रिया होती क्या होती है, बताइए। तुम लोग का खेलने कूदने में पढ़ने में ना ध्यान है कि तुम लोग सोचते कि टेंडरवा कम मिलेगा? बताइए, और आपको आज तक समझ में नहीं आया, जिस व्यक्ति ने रेलवे को हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 90,000 करोड़ का अगर मुनाफा किसी ने देने का काम किया, तो लालू जी मतलब मुनाफा दिया जा रहा है बिहार को, चाचा रेलवे कारखाना क्या नहीं, और उन्हीं पे उल्टा रेलवे का केस थोपा जा रहा था। तो आप समझिए, ये लोग सोचता था ना कि लालू जी को जेल में भेज देंगे, क्या कारण था जेल में भेजने का? किसी माइक के लाल में दम नहीं था कि लालू जी के बाहर रहते हुए आरक्षण को समाप्त कर सके अच्छे से, इसलिए लोग जानते थे कि लालू जी को अंदर तो खड़े रहेंगे तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये लोग सोचे कि लालू जी अंदर चले जाएंगे तो डरा जाएंगे, ये लोग भूल गए कि लालू जी शेर है, इनके गीदड़ बकरी से डरने वाले नहीं है। और आप जान जाइए, ये लोग फिर सोचते थे कि भाई अभी भी लालू जी जेल जाने के बाद भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनके बाल बच्चों पे केस मुकदमा कर दो, तो बाल बच्चों पे अगर परेशानी आती है तो माता पिता का दिल पिघल जाता है। तो आप समझिए, आज मेरे ऊपर 35 मुकदमा है, हमको पता नहीं कि क्या किए हमको। आप एक चीज समझ जाइए, मेरे माँ पे मुकदमा है, मेरे भाई पे मुकदमा है, मेरी 7 बहनें 7 बहनों का मुकदमा है, 7 बहन है तो 7 जीजा जी है ना, सबका साझी है तो उनपे भी मुकदमा है। अब 7 बहन है तो सबके समधन संधि भी है, तो 7 के हिसाब से 14, कोई बचा नहीं, समधन संधि ही नहीं, समधन संधि के रिश्तेदारों पे केस मुकदमा। अब आप बताओ, इस स्थिति में भी
हम लोग लड़ रहे हैं किसके लिए? आप लोग पीछे पीछे धीरे धीरे आप लोग पीछे आओ ना भाई, संविधान पीछे तो आप लोग रहो, चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछे। एक चीज समझ जाइए कि सबसे ज्यादा खतरनाक इन लोगों का डिजाइन है। क्या ये लोग सोच रहा है? यही सोच रहा है कि मोदी जी अगर दोबारा चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद चुनाव बंद कर। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और मालिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक वोट से इधर का उधर कर सकता है। तो ये अधिकार आप लोगों को मिला है, अगर ये अधिकार आप लोगों से छीन लेगा तो क्या पूछेगा? तो ये चीज आप देखिए, ये देश मामूली चुनाव नहीं है। आज संवैधानिक संस्थानों पे लड़ाई आपस में हो, मोदी जी अपने हिसाब से अपने राजनीति के स्वार्थ के लिए पूरे संस्थानों को बर्बाद करने में लगे हुए, और सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा जी ने कहा है कि डेली मोदी जी का ऑफिस से फोन आता था, हमारे पलटू चाचा जी के ऑफिस से फोन जाता था, और छोटा मोदी जी जो सुशील जी है उनका फोन जाता था कि लालू जी जल्दी भेज। तो आप समझिए डायरेक्टर खुद कह रहा है और उसको भी हटा दिया, तो आप समझिए कि क्या प्रधानमंत्री तो कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है। 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल हो सकता है जिंदगी भर कोई रह ले, लेकिन जिंदगी तो खत्म होती है। लेकिन संवैधानिक संस्थाने तो वही की वही रहेंगी। अगर संवैधानिक संस्थाने खत्म हो जाएंगी तो आपका देश बर्बाद होगा, कहीं न्याय नहीं मिलेगा। मान लीजिए जो सत्ता में है और चुनाव नहीं हो और उसी का चलेगा तो उसको जिसको न्याय देना हो अन्याय करना हो करेगा। यही चीज के ना संवैधानिक संस्थानों को रखा गया है, तो ये बात समझिए। और यहां एक बात कह देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा, आत्मविश्वास में। वोट पर्दे का आखिरी मिनट तक आप लोग भूत छोड़ करके मत जाइएगा। हम कह देते हैं बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये लोग किसी भी प्रकार से इधर का उधर करा सकता है, ये सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और यहाँ असली उम्मीदवार एनडीए की बात सुन लीजिए आप लोग, एनडीए की असली उम्मीदवार पुतुल जी हैं। इनको तो पलटू चाचा जान बुझ के खड़ा किए ताकि वोट काट करके जयप्रकाश जी को हरा दिया जाए। आप समझ रहे हैं? लोग सोच रहा हुआ कह रहे वो खड़ी होगी तो अच्छा हो गया इसी में हम लोग फंस जाएंगे। बात समझ जाइए, ये खड़ा ही इसलिए किया गया ताकि पुतुल जी जीत जाए, भाजपा का कैंडिडेट जीत जाए। और नीतीश जी को क्या लेना है? उनका बस मुख्यमंत्री का पद रहना चाहिए, ना कोई नैतिकता है, ना तो कोई विचारधारा है, ना कोई सिद्धांत है। अंतरात्मा तो जगती नहीं, हमको तो लगता है उनका अंतरात्मा जो है बंगाल के खाड़ी में डूब मरा। तो आप लोग जानिए, अब हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हमको दो जगह और जाना है, तो यहाँ से निश्चिंत होकर के जाए ना। और अब सब लोग, आप लोग बटिएगा नहीं, सब लोगों को एकजुट होकर के रहना है और इस लड़ाई को जीतना है। एक बैठ नारा लगाए तो आप लोग लगाइएगा साथ है, हाथ उठा करके बोलिए लगाइएगा, जयप्रकाश जी को जिताइएगा, गरीब का सरकार बनाइएगा, पट्टू चाचा मोदी जी को हराइएगा ना। अब हम नारा लगाएंगे, हम बोलेंगे भाजपा क्या फोटो को नहीं खिंचाएगा। हम बोल रहे हैं कितना में कितना कुछ आ गया होगा आपको पता नहीं। आप सुनिए, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ तो आप बोलेगा देश बचाओ, ठीक ना? भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ। अब हम अपने नौजवान को रोजगार के लिए नारा लगाएंगे और आरक्षण के लिए नारा लगाएंगे। हम बोलेंगे बेरोजगारी मिटाओ, आप बोलोगे आरक्षण, बेरोजगारी मिटाओ, आरक्षण, बेरोजगारी मिटाओ, आरक्षण, बेरोजगारी मिटाओ।
उनके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है जनादेश का काम किए। आप समझिए, हम बोलेंगे पलटू चाचा भगाओ, तो आप बोलेगा बिहार पलटू चाचा भगाओ। दोनों हाथ उठा करके ना बोला है पलटू चाचा भगाओ। जनता का दिल से धन्यवाद करते हैं और पूरे विश्वास के साथ हम जान रहे हैं कि आप जिताने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अब यहाँ से ही लेके एक काम सुनिए निकाल दीजिए, इसमें जगह जगह करने का काम सुनिए, तो हम निश्चित होकर के विजय का माला पहना देना चाचा को। अच्छे चाचा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद।